उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बुधवार की देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। वहीं उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस फरार साथी की तलाश में जुट गई है। मुठभेड़ सरपथा थाना क्षेत्र के गौरहवा गांव के पास हुई है। पुलिस के अनुसार पुलिस से मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश प्रशांत कुमार उर्फ कल्लू पांडे मारा गया। वहीं साथी भाग निकला। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ में ढेर हुआ बदमाश प्रशांत सुल्तानपुर जिले के कादीपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ महाराजगंज, जौनपुर, सरपथा और अंबेडकर नगर के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं हम आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बदमाश की ओर से चली गोली से एक आरक्षी भी घायल हो गया है। साथ ही स्वाट प्रभारी के बीपी जैकेट पर भी एक गोली लगी है। बदमाश के पास से एक पिस्टल, 32 बोर, 10 खोखा कारतूस, 32 बोर, 9 कारतूस, एक तमंचा, 315 बोर, 4 कारतूस, 315 बोर, 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। सुल्तानपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर है, जिसमें लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं हत्या, लूट और डकैती के। इसकी सूचना अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट प्राप्त हुई थी आज। उसके बाद कई थानों के पुलिस फोर्स और स्वाट की टीम लगी हुई थी। गिरफ्तारी का पुलिस ने प्रयास किया, इसने फायरिंग की, जिसमें स्वाट प्रभारी के बीपी जैकेट पर गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी। उसके बाद PHC लाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर अलग अलग स्थानों से IG रेंज अयोध्या साहब और बाकी 2 जनपदों से कुल 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसके पास से एक पिस्टल, 32 बोर की ऑटोमेटिक और एक कंटीमेंट पिस्टल बरामद हुई है और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 3 दर्जन इस पर हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे थे, गैंगस्टर कई मामले थे और पिछले 2 महीने में अम्बेडकर नगर जनपद में, सुल्तानपुर में, जौनपुर में बड़ी लूटें इसने की थी और पिछले महीने अम्बेडकर नगर में भी 2 मर्डर करके लूट की गई थी, गोली मारी गई थी, जिसमें अलग अलग लोगों की जान गई थी। वो सारी घटनाएं अभी तक प्रकाश। किस किस जनपद में इनामिया था? इस पर इनाम बस्ती से IG रेंज अयोध्या साहब की तरफ से था, अम्बेडकर नगर से और जौनपुर से 3 जनों से इस तक पुरस्कार। कुल कितने का इनाम था सर? कहाँ मारा गया, कहाँ इसकी? 1 लाख रुपये का इनाम था और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसमें एसओजी टीम और बाकी थानों की पुलिस को। ये अकेले था घटना? जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें 2 लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति फरार हुआ है, उसके लिए बाकी कार्रवाई और कानून। टीम को कोई इनाम भी दिया जाएगा आपकी तरफ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, जो टीम इसमें शामिल रही है जांच की प्रक्रिया करने के बाद पुरस्कार संबंधित टीम को। जौनपुर पुलिस कितने दिन से इसके पीछे थी, बनवास के पीछे? जौनपुर पुलिस जैसे ही घटना में इसका नाम सामने आया था, उस लूट की घटना में, उसके बाद से ही पुलिस का रहता। जौनपुर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी, इसको अंजाम दिया? थैंक यू। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें Z News Digital Media के साथ।